प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में बड़ी घोषणा करने वाले हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं और ये ऐलान क्या होगा हम सब इसका इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश की जनता के सामने आकर अनाउंसमेंट करना, घोषणा करना, ये बताता है कि एक बार फिर से सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया जा सकता है। क्या ये सीएए को लेकर होगा या ये घोषणा किसी और चीज को लेकर होगी अभी जानकारी पुख्ता नहीं है, लेकिन जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को संबोधित करने वाले हैं। पहली बार याद कीजिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को संबोधित किया था तो वो पल था नोटबंदी का, नोटबंदी का ऐलान किया था। उसके बाद जब वो देश के सामने आए थे याद कीजिए तब उन्होंने लॉकडाउन को अनाउंस किया था और अब कहा जा रहा है कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता के सामने आकर एक बड़ी घोषणा कर सकते हैं। आज सुबह से लगातार अलग अलग प्रोजेक्ट्स को देश के सामने, देश के सुपुर्द कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब ये कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा अनाउंसमेंट, एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। और ये कुछ ही देर अगर मैं आपको मिनटों में बताऊं तो महज 30 सेकंड यानी अब से आधे घंटे बाद 5:30 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से मुखातिब होने वाले हैं। क्या कहेंगे, कौन सी बात रखेंगे, क्या सीए को लेकर कुछ कहा जा सकता है, इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अमिताभ, आधा घंटा, क्या सीए को लेकर कोई ऐलान या कोई और खबर? मुझे लगता है रूबिका आपके बुलेटिन में ही ये खबर ब्रेक होने वाली है क्योंकि सूत्रों के मुताबिक अगले आधे घंटे में प्रधानमंत्री एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी बहुत ही जरूरी ऐलान करने वाले हैं और मुझे लगता है ये ऐलान सीए से संबंधित होगा क्योंकि अमित शाह ने बार बार गृह मंत्री ने ये संकेत दिए थे कि लोकसभा चुनाव के ऐलान के पहले सीए को नोटिफाई कर दिया जाएगा, अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। तो आप उम्मीद कर सकते हैं हम लोग कि प्रधानमंत्री का ऐलान इसी दिशा में होगा और जो अगले आधे घंटे में आने वाला है। मतलब वो जो नागरिकता को लेकर इस पूरे के पूरे कानून को लेकर जो नियमावली है उसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। अमिताभ, देखिए नियमावली बारे में तो सारी सूचना दी जा चुकी है कि 2014 के सितंबर अक्टूबर का जब भी मसला है उसके पहले भारत आए अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से जो हिंदू शरणार्थी, बौद्ध शरणार्थी तो भी यहाँ भारत में आए हैं, उनको केंद्र सरकार उनको नागरिकता देगी, राज्य सरकारों को इसकी परिधि से अलग रखा गया है। तो मुझे लगता है इन सब चीजों का ऐलान पहले हो चुका है, अमित शाह पहले कर चुके हैं लेकिन इस महत्वपूर्ण ऐलान को खुद प्रधानमंत्री करके देश की जनता को ये संदेश देंगे कि उनके लिए भी, उन लोगों के लिए भी सरकार कितनी चिंतित है, कितना ख्याल रखती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो देश को संबोधन होगा ये महज सीए को लेकर नहीं बल्कि ये एक अहम मुद्दा 2024 के चुनावों के मद्देनजर भी हो सकता है क्योंकि अगल बगल के देशों के वो 6 महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक जब हिंदुस्तान की नागरिकता लेंगे तो ये एक अहम मुद्दा बनेगा। बिल्कुल, इसमें शरणार्थी हिंदू भी हैं जो अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, जो चारों तरफ से भागकर भारत में आकर शरण लिए हैं, इसमें बुद्धिस्ट भी हैं, इसमें जैन भी हैं, इसमें ईसाई भी हैं और भले ही कुछ लोगों ने आवाज उठाई इसमें माइनॉरिटीज या मुस्लिम क्यों नहीं है लेकिन इसके बारे में सरकार ने माकूल जवाब दिया था। लेकिन एक चीज है कि चुनाव के पहले ये जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप जिसमें जिसमें भारत के तमाम भारत के तमाम पड़ोसी देशों से शरणार्थी शामिल हैं उनका ख्याल रखती है सरकार, उन हिंदू और तमाम धर्म के समुदाय के लोगों का सम्मान करती है, उनके उनके अधिकारों का सम्मान करती है, इसलिए उनको नागरिकता भारत सरकार देगी। ये संदेश सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं पूरी दुनिया में भी जाएगा। आप सही कह रहे हैं, बस अब कुछ पल का